माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, कंसर्न फॉर राइजिंग केसेज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट अमॉन्ग इंडियन यूथ। सर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सर, आज सवेरे ही जब मैं पार्लियामेंट में आने की तैयारी कर रही थी, पता चला कि एक मेरे परिवार से परिचित एक 36 साल के युवा हैं जिनकी क्रिकेट खेलते खेलते अचानक ही हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और आज ही के दिन मुझे ये मुद्दा रखने को मिल रहा है, तो मैं आपकी खास करके आभारी हूँ। जो राइजिंग केसेस हैं इंडिया में सडन हार्ट अटैक्स के, वो एक चिंता का विषय है। और मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कहना चाहूँगी कि इस पर थोड़ी ज़्यादा रिसर्च कर एक डेटा बनाकर कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, जो मेडिसिंस प्रिस्क्राइब की हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उसको लेकर थोड़ा रिसर्च बैक्ड हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कैसे हम लोग जो सडन हार्ट अटैक्स लेस देन 50 ईयर ओल्ड्स के हो रहे हैं, कैसे उसको काबू में ला सकते हैं। वैसे ही लैंसेट की स्टडी बताती है कि इंडिया में 5 से 6 लाख इंडियंस की अचानक से हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो जाती है, और वो 50 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ उनके परिवार के लिए ही दुख का विषय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुख का विषय है। तो एक डेटाबेस बनाने के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और रोज अखबारों में आता है कि कोई डांडिया खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है, कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है हार्ट को लेकर, पर वो उनके अचानक से डेथ होती है। कल ही डॉक्टर प्रशांत नंदा जी ने इस मुद्दे को रखा था, उन्होंने बताया था ट्रेन में एक 38 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस पर भी खास करके ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी सर, फाइजर की वैक्सीन जो अमेरिका में काफ़ी लोगों को लगाई गई थी, अब आकर जब उन पर दबाव पड़ा है, उन्होंने बताया है क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो शायद हमें इस पर भी आत्मचिंतन करने का विषय है कि जो वैक्सीन्स लगाई गई या कोविड का जो गंभीर स्वरूप जो लिया गया, जो मेडिसिन्स हमारी तरफ से प्रिस्क्राइब की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से आई थी, क्या उसमें कहीं कमी रह गई। साकेत गोखले जी हमारे बगल में बैठे हैं, 34 साल की उम्र में विदाउट एनी हेल्थ इशूज़ उनको हार्ट अटैक आ जाता है। उनके डॉक्टर बताते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपके माध्यम से सर, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इस पर खास करके ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके गाइडलाइंस दिए हैं, पर वो इतने पुख्ता नहीं हैं कि इस इशू को एड्रेस कर पाएँ। आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर।